स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं हूँ स्वाति पांडे एंड इस वीडियो में मैं आपको ले जाने वाली हूँ फ्लैशबैक ऑफ 2019, क्योंकि 2019 मेरे पूरी लाइफ का एक ऐसा ईयर है जिसको मैं पलट के देखना चाहती हूँ एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें एक्सपीरियंस की है, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं मेरी। सो दिस इज़ द वेरी गुड ईयर फॉर मी। सो मैंने सोचा कि ये फैमिली जो है ये भी हमारी 2019 में बनी है, तो क्यों ना आपको मैं एक फ्लैशबैक दूँ मेरी 2019 की जर्नी का। सो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो गाइस आइए स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सो कॉलेज टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ही एक्टिव थी मेरे कल्चरल प्रोग्राम्स में एंड मैंने 4 साल बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए, बट हम यूनिवर्सिटी लेवल से आगे नहीं जा पा रहे थे। बट ऐसा हुआ फाइनल ईयर में, मेरे लास्ट 5 ईयर में मास्टर्स में, कि मैं नहीं परफॉर्म करने वाली थी। मैंने सोचा था मैं नहीं पार्टिसिपेट करूँगी, बट मैंने पार्टिसिपेट किया एंड जनवरी के स्टार्टिंग में हमें पता चला कि मैं और मेरा ग्रुप हम जाने वाले हैं उड़ीसा नेशनल लेवल पे डांस प्रेजेंट करने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। एंड दैट मोमेंट गाइस, मतलब इतनी खुशी शायद ही हुई हो कि मैंने 5 साल मेहनत की है आगे जाने के लिए और मुझे वो एकदम लास्ट में मिला है। बट वो एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग रहा है, इतनी अच्छी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली है वहाँ पे जाने के बाद में। सो द एक्सपीरियंस इज सो गुड एंड इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना एंड सबको देखना, कम्पीट करना, द एक्सपीरियंस इज सो ग्रेट। एंड देन लास्ट ऑफ द जनवरी आई गेस लास्ट वीक या सो, तब हमें पता चला कि हमें स्टेट लेवल प्रेजेंट करने जाना है अपनी यूनिवर्सिटी को जबलपुर। देन अगेन हम जबलपुर गए अपनी यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट करने एंड जो फीलिंग होती है ना अपनी यूनिवर्सिटी को, आप एक पूरी कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो फीलिंग बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल थी। सो हमने अपनी जबलपुर में भी अपनी यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट किया, तो ये दोनों इंसिडेंट बैक टू बैक हुए एंड द एक्सपीरियंस वॉज सो हाई। एंड इसके बाद में जो 2 मंथ रहे हैं जनवरी के बाद, फरवरी एंड मार्च, वो बहुत स्पीड अप में गए क्योंकि मुझे अपनी जो स्टडी थी वो भी कवर करनी थी। सो वो बहुत स्पीड अप में गया है सब कुछ। बट उसके बाद अप्रैल में जो हुआ है वो मेरी लाइफ में एक ऐसा मंथ था जिसको मैं लाइफ टाइम याद रखूँगी, क्योंकि अप्रैल में हम गए थे, मतलब मैं और मेरी फैमिली हम ट्रिप पे गए थे असम। एंड असम की जो खूबसूरती मैंने देखी है गाइस, मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने उस टाइम पे क्यों नहीं अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग शेयर कर सकती थी। क्योंकि हम शिलोंग गए, गुवाहाटी गए, चेरापुंजी गए। आई मस्ट से कि अगर आप कभी बहुत लॉन्ग हॉलीडे प्लान करो तो चेरापुंजी ज़रूर जाना। एंड उसके बाद हम रिटर्न में बनारस गए। बनारस में कभी नहीं गई थी, मुझे हमेशा से बनारस जाना था। मैं यूपी की हूँ लेकिन मैं बनारस कभी नहीं गई। सो फिर हम रिटर्न में बनारस होते हुए आए। सो वो जो पूरी जर्नी थी वो बहुत ही अच्छी जर्नी रही मेरी। एंड उसके बाद में 2-3 मंथ नॉर्मल रहे मेरे, एग्ज़ाम्स दिए मैंने मेरे फाइनल सेमेस्टर के। बट जुलाई के बाद आई गेस अगस्त में मेरा रिजल्ट आया है मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर का। मैं बहुत एवरेज सी स्टूडेंट हूँ, नॉट सो हाई नॉट सो लो, एवरेज सी स्टूडेंट हूँ, बट मैंने मास्टर्स में मेरी बहुत मेहनत की थी एंड उसका रिजल्ट मुझे मेरे लास्ट सेमेस्टर में मिला है एंड मेरा रिजल्ट आया है। और मैंने अपना रिजल्ट 3 से 4 बार चेक किया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं सेकेंड टॉपर हूँ अपनी क्लास की। जिसने टॉप किया था ज्योति, आई लव यू, तो उसके मुझसे सिर्फ 2 मार्क्स ज़्यादा थे एंड वो जो खुशी थी गाइस, मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि अब मैंने कुछ पाया है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी मास्टर्स के लिए। देन उसके बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है एंड गाइस थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक्सेप्ट किया, आप मुझे प्यार दे रहे हो, मेरे लिए टाइम निकालते हो, मेरी वीडियोज देखते हो, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। तो मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं और भी कंटेंट बनाऊँ, आप सब तक पहुँचाती रहूँ। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, इससे ज़्यादा दीजिए चलेगा। तो मैंने 2019 में अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि मैं बहुत टाइम से चाह रही थी करने का और वो मैंने 2019 में किया। सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे बहुत आगे तक लेके जा सकूँ एंड आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस वो आप देते रहिए।
एंड उसके बाद में दिसंबर के टाइम पे इतना कुछ खास नहीं हुआ था मेरे पिछले कुछ सालों में. दिसंबर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था दिसंबर में मेरे साथ. सो बट इस दिसंबर मैंने स्टार्ट किया है वर्क करना. सो ये दिसंबर मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है. तो इस हिसाब से जो मेरा 2019 की जर्नी रही है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है गाइस. आई जस्ट मिस दैट ईयर सो 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 मच. एंड ये थी मेरी 2019 की फ्लैशबैक जर्नी. मैं चाहती थी कि मैं आपको 2019 की मेरी जर्नी शेयर करूँ. सो वो मैंने कर दी. एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी 2019 की जर्नी कैसी. एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइज. आई होप आप सबका 2020 बहुत ही अच्छा जाए, किसी को कोई दुख ना मिले. और आई होप कि आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे. 2019 में आपका प्यार और भी बढ़कर मुझे मिलेगा. मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं आपसे ये प्यार लेती रहूँ. तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर एंड डू सब्सक्राइब गाइस. डू सब्सक्राइब, डू डांस, बाय बाय.